ये भी कहा आर्मी चीफ जनरल कमर अजाज बाजवा ने। उन्होंने कहा कि जब उनसे कश्मीर के बारे में बात की गई तो उस पर उन्होंने एतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटजिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से कश्मीर हार चुके हैं इस वक्त, और अब हमारे पास जब उनसे पूछा गया तो फिर हल किया तो उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक ही हल है कि हम भारत को। तो दोस्तों आपने देखा छोटा सा क्लिप, यहाँ पर बात हो रही है OIC का समिट जो अभी इस्लामाबाद में कंप्लीट हुआ है उसको लेकर। पाकिस्तान को काफ़ी उम्मीदें थी और सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है OIC समिट के बाद। इनकी हवा निकल गई, इनका मीडिया का टोन आप चेक करेंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद। राम साहब आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है OIC का इस तरह इजलास होना? अगर इसराइल को भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंसते होंगे कि अच्छा करारदाद दिया है ना, बात की हो रही है, या ये परसेप्शन आज की दुनिया में कोई मानी रखता है कि फिर इससे लोगों की एक राय आमा बनती है, उससे कोई प्रेशर क्रिएट होता है? हमने बायकॉट भी होते देखा है भारतीय प्रोडक्ट्स का, और क्या ये 57 ममालिक मिलकर एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए नहीं आगे बढ़ सकते? शायद ये भारत पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, जिस तरह हमने देखा मलाइशिया ने कुछ कहा तो हमने कहा जी हम आपका तेल लेना ही बंद कर देंगे, सवा अरब की आबादी है उनको मसला हो गया। तो हर मुल्क के अपने मफादात हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उस वजह से ये OIC मिलकर भी कुछ नहीं कर पाती। आपके ख्याल से एक मजाक बन गया है, या आपको लगता है कि जिस तरह 15 मार्च का दिन इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाना, ये भी जाहिर है पाकिस्तान आगे बढ़ाओ OIC की जाहिर है इसमें सारे मिलकर आवाज उठाई तो कौम तदा को भी मानना पड़ा, क्या इस हवाले से भी कोई आप प्रैक्टिकल स्टेप देख रहे हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीग ऑफ द नेशंस का हाल सारी दुनिया ने देखा था, पाकिस्तान ने भी हालत उसकी देखी, और इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है OIC की वो लीग ऑफ नेशंस के मुताबिक तकरीबन उसी तरह की बनी हुई है। एक ऐसा फोरम जहाँ पर नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के अलावा आज तक किसी भी आपके इस फोरम से कोई ऐसा कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया गया जिससे हम ये कह सकें, या मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा नहीं किया गया। ये एक तरह से इकट्ठा हो जाना और एक दिन डेढ़ दिन दो दिन बैठना, उसके बाद अपने अपने घरों को चला जाना, फिर वहाँ पे जाके किसी को मुस्लिम उम्मा की फ़िक्र नहीं, और ना ही कोई ऐसी जो कंजक्टिव पॉलिसी है ऐसी जो तरतीब के साथ बनाई जाए कि मुस्लिम ममालक उस पॉलिसी को आगे लेकर चलें, ऐसा आज तक कभी भी देखने में नहीं आया। अच्छी बात है कि मुस्लिम ममालक इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं, इत्तेहाद और यकजानगत की बात करते हैं। मैं यह थोड़ा सा इन ममालक की अपने मुल्क से शुरू करते हुए बाकी ममालक की सूरत हाल की तरफ जाऊँगा। यहाँ मुस्लिम उम्मा की दर्स दिया जाता है, तबलीग की जाती है, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करेंगे। आप अपने मुसलमान भाइयों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, और आप मुस्लिम ममालक के सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। सऊदी अरब को देख लेंगे, वहाँ आपको आपके वहाँ के अंदर आपको इख्तलाफात कैसे नज़र आते हैं। यहाँ आपको UAE में देख लेंगे, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जिनका हम अपने मोहब्बत भरे दोस्तों की वजह से बात नहीं करते। और सूडान, उसके साथ अफ्रीकन ममालिक, उसके साथ लीबिया, शाम, इराक, ईरान, और फिर हमें अफगानिस्तान, फिर हमें, यानी कि पोलराइजेशन है। आपको हम मतलब डेस्परेटली हम वो पूरी बातें ऐसी परेशान कुन है कि वो हम नहीं कर सकते, और यहाँ पे आके बात करना शुरू करें, पहले अपने आप को तो अपने मुल्क में इकट्ठा कर लें, हम अपनी मिलत तो अपनी कौम को तो इकट्ठा कर लें, हम एक साए तले एक उस बैनर के तले आ जाएं। हमारे अंदर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक बर्दाश्त तहम्मुल बुर्दबारी होनी चाहिए, तभी हम दूसरों को तबलीग करेंगे। क्या वो है एक जुमला कि लोगों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, तो ऐसी कॉन्फ्रेंस से और ऐसी उससे क्या वो असर पड़ता है जो बाबा डोगर साहब ने बात की? बिल्कुल ठीक है, मुआशी तौर पे बाकी ममालिक में भी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन देखिए हम पूरी कौम इस्लामोफोबिया के खिलाफ तो इकट्ठी है, इस्लाम के खिलाफ नफरत नहीं होनी, इस पर तो पूरी कौम इकट्ठी है। इसी तरह दीगर ममालिक, फिर मुझे ये बताएं कि अगर ये हमारी वजह से किया है ना उन्होंने इस्लामोफोबिया, तो 15 मार्च क्यों रखा है जिस दिन न्यूजीलैंड में मुसलमानों के ऊपर हमला हुआ था? बुनियादी तौर पर जसिंडा आर्डन जो है उस वक्त से काम कर रही थी, इससे पहले कई ममालक जो हैं वो बात कर रहे थे, मलाइशिया बहुत अरसे से इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ था। इस्लामोफोबिया का दिन मनाना और चीज़ है, और मुसलमान को देख के नफ़रत का इजहार करना
जो दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर मुसलमान का नाम देखते ही, मोहम्मद नाम देखते ही एक नफरत का इजहार किया जाता है, उसको कौन रोकेगा? दिन मनाते माँ बाप का, माओं का दिन मनाया जाता है, क्या सारी की सारी माएँ जो हैं वो उनकी इज्जत हो रही है घरों में? बापों का दिन मनाया जाता है, क्या बाप जो हैं वो 80-80 साल में मजदूरियां करके नौजवानों को नहीं पढ़ा रहे? जो दिन मनाना एक सिंबॉलिक आप उसको अहमियत, कैंसर का दिन मनाया जाता है, सारी दुनिया सिगरेट पी रही होती है उस दिन, डॉक्टर्स भी सिगरेट पी रहे होते हैं। मैं ये अर्ज करता हूँ कि हमें इस अपने आप को क्या हमने प्रैक्टिकली हमने ऐसा ही अपना हाइपोक्रेट दिखाना है अपने आप को? क्या हम अपने ऊपर ही नहीं लगा सकते, लागू नहीं कर सकते? कुकले बाद ओआईसी मुआशी तौर पे इन ममालक को, ओआईसी कंट्रीज को मुआशी तौर पे इनको अपना एक एजेंडा लाना होगा। उस एजेंडे को पूरा कराने के लिए इन्हें अपने मुआशी अहदाफ सामने रखने होंगे, किन किन ममालक से किस किस तरह से कैसे ताल्लुकात। अच्छा, अगर इस्लामिक बुनियादों को रखने हैं तो फिर इस्लामिक, गुलाम मुद्दा साहब इस इशू पे मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिये, यूरोपियन यूनियन ने एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो व्यवस्था कर ली है। अब यूरोपियन यूनियन में जितने भी मालिक हैं उनकी आपस में इतनी ज्यादा ट्रेड है कि कोई उनके साथ ट्रेड ना करे, अगर पाकिस्तान या कोई इंडिविजुअल मुल्क ना भी करे तो उनकी इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर 10 इस्लामी मुल्क जो है वो नहीं ट्रेड करते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या फ्रांस को आप करते तो उसको फर्क नहीं पड़ता। इशू ये है कि हमें एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाबस्ता करने पड़ेंगे, अनफॉर्चुनेटली जो ओआईसी अभी तक नहीं कर सका। मसला ये है कि ओआईसी के जो बड़े मुल्क हैं, सऊदी अरब है, गल्फ स्टेट्स हैं, इन सब के जो स्टेट्स हैं वो या तो यूरोप के साथ हैं या इंडिया के साथ हैं या ऐसे ममालिक के साथ हैं जो हम जो कश्मीर की वजह से वो या फलस्तीन हो वो उनको हशब करवा देते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि ओआईसी को चाहिए कि ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करे, ओआईसी के ममालिक आपस में ट्रेड को बढ़ाएं, जो अच्छा। अभी तक मुझे नजर नहीं आया कि इनकी आपस में कोई ट्रेड बढ़ रही है, कोई ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कोई इस तरह की चीजें हो रही है वो नहीं नजर आ रही। दूसरी तरफ आप देखें नेटो है, नेटो एक फोर्स है, आप देखें कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो किस तरह उस पर पाबंदियां लग रही हैं, माशी पाबंदियां लग रही हैं, सब कुछ लग रहा है जी, काउंट फ्रीज हो गए हैं। के वाले से ओआईसी क्या कर सकी है? कुछ भी नहीं कर सकी। इसराइल के वाले से ओआईसी क्या कर सकी है? कुछ भी नहीं कर सकी। सारे जो मालिक है उनकी आपस अच्छा। में ट्रेड है नहीं है, सबकी ट्रेड या यूरोप के साथ है या इंडिया के साथ है, इतने हैवी जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। मैं सऊदी अरब में समझता एक ओआईसी की मीटिंग में पिछले साल गया जी, जी। वहां पर वो बड़े सऊदी से बात हुई, वो मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुक है, पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, पाकिस्तान को छोड़ने का वो सोच भी नहीं सकते, लेकिन जहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट आते हैं वो कहते हैं कि जी हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बड़ा ओपन लिखे हमारी वहां पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है वो हम अच्छा। नहीं कर सकते। तो समझ सब। तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है समाप्त। आपने देखा पाकिस्तान के एंकर किस तरीके से बुझे हुए चिराग की तरह बात कर रहे थे और इनका मुरझाया हुआ चेहरा क्लियरली बता रहा है कि भाई पाकिस्तान की क्या औकात है और पाकिस्तान जिस तरीके से कश्मीर करेगा पाकिस्तान की कोई देश नहीं सुनेगा, किसी भी देश को इंटरेस्ट ही नहीं है इस मामले को लेकर। इवन इसराइल के साथ आपको पता है अरब कंट्रीज़ के कैसे रिलेशनशिप हो चुके हैं। तो ये जो फिलिस्तीन का मामला, स्पेशली ये कीड़ा आपको बता दूं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को ज़्यादा काटता है। आबादी भी लगभग हाफ आबादी है, मतलब ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड की हाफ आबादी यहीं पर रहती है। तो आप समझ सकते हो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यहाँ के मुसलमानों को आप मिलाएं और नेपाल को भी ऐड कर लें तो इतना बड़ा नंबर है, लगभग हाफ आबादी मान लीजिए आप। तो ये जो है ये इसको ज़्यादा कीड़ा काटता है कश्मीर का, और ये जो फिलिस्तीन हो कहीं पर भी हो इनको सबसे ज़्यादा कीड़ा काटता है। तो ओआईसी समिट में आपने देखा इवन टर्की इनका काफ़ी साथ देता है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री है वो इंडिया के खिलाफ इंटरेस्टेड ही नहीं है कश्मीर को मामले को लेकर, क्योंकि भारत से बहुत अच्छे रिलेशनशिप है अरब कंट्रीज़ के हों या यहाँ पे आप चले जाएँ अफ्रीकन मुस्लिम कंट्री हो,
जितनी भी मुस्लिम कंट्री हो, इवन पाकिस्तान, टर्की और थोड़ा सा उचक रहा था मलेशिया, इनको छोड़कर भारत के बाकी सभी देशों के साथ जो मुस्लिम कंट्री है अच्छे रिलेशनशिप है। आप देखिए अफगानिस्तान के ऊपर जितने देश हैं, कभी आपने वहाँ से एक नेगेटिव कमेंट नहीं सुना होगा इंडिया को लेकर, इतने अच्छे रिलेशनशिप है। इवन अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ कश्मीर को लेकर गलत बयान नहीं दिया। अफगानिस्तान के साथ हमारे हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे। तो दोस्तों आपको भी पता है कि अब ये लोग ऐसे ही रोते रहेंगे। अभी मैंने प्रीवियसली थोड़े देर पहले एक वीडियो अपलोड किया जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा कश्मीर को लेकर खुलेआम बोल रहे हैं कि भैया उनके ताजिया ठंडे हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो मैंने थोड़ा सा सार्कज़म में बोला है, आप वीडियो डिटेल में जाकर देखिए, मैंने अपलोड किया है। मतलब वो अब चाह रहे हैं कि भारत के साथ किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए जाएँ, नहीं तो मतलब वो कश्मीर पर तो पूरी तरह से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। सीधा कमर जावेद बाजवा का ये बयान है लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को संबोधन के दौरान। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।